स्वागत है आपका सॉफ्टवेयर इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पी में अकाउंट स्टेटमेंट को कैसे व्यू किया जाता है अकाउंट स्टेटमेंट एक डॉक्यूमेंट है जो कि फाइनेंशियल अकाउंट को स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ एन मंथली क्वार्टरली एनुअली और अदर कस्टम टर्म्स के लिए समराइज करता है ओपनिंग बैलेंसेस पेमेंट एंट्रीज ट्रांजेक्शन डिटेल्स आदि अकाउंट स्टेटमेंट्स के फॉर्म्स हैं वहाँ आपको सभी अकाउंट नेम्स शो होंगे और एक अकाउंट को सिलेक्ट करके आप उसी के लिए ट्रांजेक्शन डिटेल्स व्यू कर सकते हैं स्वेल आर पी में पर्टिकुलरली अकाउंट वाइज से अकाउंट स्टेटमेंट व्यू करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल है इस ऑप्शन में यूजर्स ओपनिंग बैलेंस डेबिट और क्रेडिट एंट्री डिटेल्स व्यू कर सकते हैं और यूजर्स ट्रांजेक्शन एंट्री पर डबल क्लिक करके इनवाइस भी व्यू कर सकते हैं तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं इसके लिए सबसे पहले स्वली आरपी के क्वेरीज मेन्यू से अकाउंट स्टेटमेंट को सेलेक्ट करेंगे फिर अकाउंट स्टेटमेंट विंडो ओपन होने पर फ्रॉम से टू डेट रेंज एंटर करेंगे अब अकाउंट नेम सेलेक्ट करते हैं जिसका अकाउंट स्टेटमेंट शो करना है अब व्यू बटन पर क्लिक करते हैं फॉर एग्जांपल आप 25 से 26 अप्रैल के बीच का डेट रेंज सेलेक्ट करें साथ ही अगर आप शो जीरो बैलेंस अकाउंट या इंक्लूड निल ट्रांजेक्शन अकाउंट के मुताबिक डिटेल्स व्यू करना चाहते हैं तो इन ऑप्शंस पर टिक मार्क कर सकते हैं वहीं आप डेट पर्टिकुलर्स नरेशन डेबिट या क्रेडिट एंड बैलेंस भी व्यू कर सकते हैं आपको बता दें कि रिपोर्ट्स को प्रिंट एंड प्रिव्यू करने के लिए डिस्प्ले ऑप्शन में जाकर प्रिंट एंड प्रिव्यू बटन पर क्लिक करेंगे वहीं रिपोर्ट्स को एक्सेल या किसी और फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करने के लिए टी बटन पर क्लिक करेंगे तो ये था स्वेल में अकाउंट स्टेटमेंट व्यू करने से जुड़ा वीडियो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें थैंक यू